हमीरपुर के लमलू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। लमलू के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए पेश आ रही समस्या के चलते ग्रामीणों ने हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर से पीएचसी खोलने की मांग की है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में विधायक नरेंद्र ठाकुर के पास लमलू क्षेत्र के एक दर्जन बाशिंदों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंप कर जल्द पीएचसी खोलने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि लमलू से प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण लोगों को इलाज के लिए हमीरपुर का रुख करना पड़ता है। हमीरपुर के लमलू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। लमलू के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए पेश आ रही समस्या के चलते ग्रामीणों ने हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर से पीएचसी खोलने की मांग की है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में विधायक नरेंद्र ठाकुर के पास लमलू क्षेत्र के एक दर्जन बाशिंदों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंप कर जल्द पीएचसी खोलने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि लमलू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण लोगों को इलाज के लिए हमीरपुर का रुख करना पड़ता है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बताया कि हमीरपुर के सर्किट हाउस में विधायक नरेंद्र ठाकुर से मिलकर लमलू क्षेत्र के एक दर्जन बाशिंदों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर जल्द पीएचसी खोलने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि विधायक को ज्ञापन सौंपा गया है और आगामी दिनों में हमीरपुर में सीएम के आने पर पीएचसी सेंटर की मांग को पूरा करने के लिए बात की जाएगी। बड़ी समस्याएं तो बहुत है। लमलू जो है एक 7-8 पंचायतों का केंद्र है और बड़ी घनी आबादी का इलाका है, ये आप लोग भी जानते हैं। हमारी 40-50 साल से एक बड़ी भारी मांग रही है कि लमलू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। तो पंजाब टाइम से वहाँ पर वहाँ सब सेंटर था, तो 70-70 में वो भी वहाँ से उठा के कहीं दूसरे गाँव में ठाणा गाँव में भेज दिया गया। उसके बाद हमें एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी मिली थी, अभी वो अपग्रेड हुई 10-10 में, तो वहाँ वो हॉस्पिटल बना, लेकिन उसमें 1-2 पोस्टें डॉक्टरों के और वो सफिशेंट नहीं है और आयुर्वेदा वैसे भी इमरजेंसी सर्विसेज को कवर नहीं करता। तो हमारी पीएससी की डिमांड जस की तस खड़ी है, जब एमरजेंसी अराइज करती है तो उस हालत में वहाँ पर ऐसी मेडिकल एड, वो एलोपैथी की कोई सर्विसेज नहीं है और वो हॉस्पिटल डिफंक्ट है, वहाँ पर कोई डॉक्टर वगैरह 1-2 पोस्टें हैं, वो भी नहीं चल पाए। तो उसके लिए ये महिला सशक्तिकरण दिशा में भी बहुत बड़ा एक होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनको अच्छी वो वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएं और पूरा एरिया कवर होता है और हमीरपुर का रश भी कम होता है, जो हम 4-5 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं। आज किससे मिले आप यहाँ? आज हम विधायक से मिले हैं और उन्होंने अश्योर कराया है, हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है वो सीएम साहब से मिला है, तो वहाँ उनको भी हमने रिक्वेस्ट, हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो 1100 हेल्पलाइन पे डिमांड कर रहे हैं, अभी सीएम साहब इधर आ रहे हैं। तो महिलाओं ने बताया कि लमलू में लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई बार मरीजों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि अस्पताल में पहुंचते ही मौत हो जाती है। उन्होंने बताया कि विधायकों को ज्ञापन सौंप कर जल्द समस्या को हल करने की मांग की है। बहुत समस्या होती है, जब कोई भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसके लिए समस्या होती है, तो हमीरपुर में आना पड़ता है, तो इस करके हमें लमलू में हेल्थ सेंटर जरूरी है। आज किससे मिले आप? हम अपने विधायक नरेंद्र ठाकुर से मिले हैं। हेल्थ सेंटर मिलना चाहिए हमें, बस यही हमें, ये बहुत सी काल ग्रास हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, जब तक हम 108 आती है तब तक अभी ले चुके होते हैं। आज एमएलए से मिले, क्या कहा विधायक में? बस यही डिमांड हमने उनके सामने भी रखी और वो हमें मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी बात।